जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता जी के जगह जगह पर पंडाल बना करके माता जी की मूर्ति स्थापना करके लोगों ने जगह जगह पर माता जी का श्रृंगार करके पूजन अर्चन और वंदन किया है। इसी क्रम में रेणुकूट सोनभद्र में सब्जी मंडी में भी अद्भुत केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस समय उपस्थित हूँ रेणुकूट में सब्जी मंडी में, और यहाँ पर विशाल माता का दरबार सजाया गया है। और अब की आकर्षण का केंद्र माता जी का जो दरबार है, केदारनाथ की सीन है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। कलकत्ता से आए हुए कारीगरों के द्वारा, बांस के द्वारा निर्मित यहाँ पर जो केदारनाथ मंदिर है, माता जी का इसमें दरबार सजा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे माता जी ने अपना दरबार सजाया है। यहाँ पर जो लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। नवरात्रि और विजयदशमी का ये पावन त्योहार, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि का पावन जो त्योहार है, और आज विजयदशमी भी है, क्या कहना चाहेंगे इसके उपलक्ष्य में? बहुत शुभरात्रि है। नवरात्रि हम लोग हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है जी। नवरात्रि और दशहरा, दीपावली, छठ, क्या संदेश जाता है? जो विजयदशमी होती है, रावण का दहन भी होता है, बुराई का संदेश है जी। जैसे पुतला हम लोग फूंकते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक रावण है। हाँ, बुराइयों का रावण। हाँ। बुराइयां जब अपने शरीर से दूर करेंगे, अच्छाइयों को अपने में जब लाएंगे, तब हमारे शरीर के रावण का अंत होगा। बहुत बहुत मंगल कामना। माता जी के पंडाल में सभी लोगों ने माता जी के दर्शन करने के लिए यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जो लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा। माता जी का दर्शन, नवरात्रि और विजयदशमी का ये जो त्योहार होता है, यहां पर देखिए महिला सशक्तिकरण भी यहां पर माता जी के दर्शन किया है। मतलब क्या कहना चाहेंगे नवरात्रि का और विजयदशमी का जो त्योहार आज मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा देख के जी। जी, यहाँ बहुत लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है देख जी, माता जी के दर्शन करने। बहुत दर्शन अच्छा लग रहा है। आप अच्छा लग रहा है दर्शन करके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोबारा हमारे दर्शन कर रहे हैं यहाँ जी। देखिए, दोबारा दर्शन करने के लिए आई है। माता जी की छवि को जितना निहारा जाए वो कम है। और देखिए, माता जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। मारी ऐसी सजी है जैया, हमारी ऐसी सजी जैसे लागे दुलहिनिया, जैसे लागे दुलहिनिया। बहुत मंगल कामना। और देखिए, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है माता जी के दर्शन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जो विजयदशमी मनाया जा रहा है और आज ही के दिन माता जी के भी दर्शन करने के लिए लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी। साल भर में एक बार लगता है, और हम सभी को हिंदू धर्म के अनुसार में ये सब बहुत ही जरूरी है, और इसे हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए जी। जो रावण पुतला दहन होता है, क्या रहस्य छिपा होता है, इसके बारे में कुछ आप बताओ। ठीक है, रावण के रहस्य में क्या है, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सत्य असत्य की जीत हुए बना हुआ है जी। और रावण भी एक बुद्धिमान प्राणी था जी। हाँ, इससे हमको एक सीख लेनी चाहिए जी, और राम जी के अनुसार पे हमको उनके पथ पे चलना चाहिए जी। देखिए, पुतला तो होता ही, रावण का दहन भी हर वर्ष होता है, लेकिन हम लोगों के शरीर के अंदर भी एक रावण है। बुराइयां जो भरी हुई है रावण का ही रूप होती हैं, और शरीर से निकल करके जब अच्छाइयां आएंगी, तभी हमारे शरीर में जो है रावण का अंत होगा। बहुत बहुत मंगल कामना।